हेलो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस। तो सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज आपको लेके चलते हैं देहरादून में किस तरह से मनाया जा रहा है क्रिसमस। वैसे तो हर साल ही निकलते हैं और शहर का नज़ारा आपको दिखाते भी हैं, लेकिन आज थोड़ा सा अलग। एक नया मॉल है देहरादून में, सेंट्रियो मॉल। तो सेंट्रियो मॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन यहाँ पार्किंग बहुत बुरा हाल था, बहुत पार्किंग फुल थी। और पार्किंग के अलावा सड़क पे बाहर भी करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। जैसे तैसे गाड़ी पार्क करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं सेंट्रियो मॉल। तो अभी ये 1.5 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ। बहुत ज़्यादा रश है, नया भी है, तो नई चीज़ों के प्रति लोगों का लगाव भी ज़्यादा ही होता है। और आज क्रिसमस, तो क्रिसमस में ये सबसे पहले तो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप एक एक करके जा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ज़्यादा इस पे लोड नहीं लिया जा सकता। तो शायद ये इन्होंने लकड़ी का बनाया हुआ है, तो लोग यहाँ पर सेल्फी का मज़ा लेते हो। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी रश। और यही मौका होता है कि नया साल भी आने वाला होता है और सब फ्री भी होते हैं, और एंजॉय करने के लिए क्रिसमस से बेहतरीन मौका और क्या हो सकता है। लाइट्स और धार्मिक भावनाएं तो होती ही, इस तरह से छुट्टी का दिन भी होता है, भरपूर आप मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सभी लोग क्रिसमस ट्री के साथ फोटो लेते हुए, वीडियोस बनाते हुए, रंग बिरंगे परिधानों में। चलिए आपको और आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं कह रहा था, और मेरे हर साल के वीडियोज़ में बनाता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। कुछ मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं कि देहरादून में किस तरह का होता था। आज थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये मॉल मेरे घर से करीब 10-1 किलोमीटर दूर है, और भीड़ बड़े इलाके में मैं गया नहीं आज, क्योंकि मेन रोड पर इतना ज़्यादा रश होता है। ये कैंट के थ्रू आप जाएंगे तो थोड़ा आसानी से यहाँ पहुँच जाते हैं। तो अभी नई नई यहाँ पर शॉप्स वगैरह खुल रही हैं, बड़े बड़े शोरूम्स। और जैसा आपको पता ही है कि मॉल में तो सभी कुछ आपको एक जगह मिल जाता है, और सिनेमा भी होता ही है। तो यहाँ पर भी सिनेमा हॉल भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आज पहली बार जा रहा हूं, तो देखता हूं यहाँ का क्या है माहौल। बाहर तो सजावट क्रिसमस पे तो वैसी ही भरपूर की जाती है, लाइटिंग, और यहाँ पर थोड़ा सा फव्वारे वगैरह भी हैं, अच्छा है। और इसके बगल में आप देखेंगे तो पासपोर्ट ऑफिस भी है देहरादून का, और एक दो स्कूल्स भी आसपास हैं, तो काफी भीड़ भरा इलाका है ये। चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 2 लाइन लगाई हुई है, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। पूरा सिक्योरिटी चेक के बाद आप अंदर जा पाते हैं, और अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर आप शॉपिंग करना चाहें, बहुत सारे लोग तो मैंने देखा विंडो शॉपिंग करते हैं, परचेजिंग तो करते हैं नहीं, ज़्यादातर घूमने आते हैं। और ख़ास तौर से क्रिसमस के मौके पर लोगों का यहाँ पर ज़्यादा दिल करता है कि बस वीडियो बना लें, फोटो बना लें। तो स्टार्टिंग में कामा आयुर्वेदा का यहाँ पर खुला हुआ है शोरूम, सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन ये। किसी भी शोरूम में आप एंट्रेंस पर अगर आप अपना शोरूम खोलते हैं किसी भी मॉल में, तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एक बेहतरीन ट्रैफिक मिलेगा, कस्टमर ज़्यादा मिल जाएंगे। और बनावट और कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखिए तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। और टोटल यहाँ पर 6 माले हैं, यानी कह सकते हैं 6th फ्लोर है यहाँ पर, और 6 फ्लोर पे अलग अलग शोरूम्स होंगे ही होंगे। तो चलिए यहाँ पर भी आपको लेके चलता हूँ। बहुत खूबसूरत और अभी नया है, और बीच में एक और शायद इन्होंने सेल्फी पॉइंट ही बनाया हुआ है, यहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं, लोग भरपूर मज़ा लेते हुए। आज रश बहुत है, और शॉपिंग तो शायद लोग नहीं करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्रिसमस पे लोग करते हैं हालांकि, लेकिन अभी यहाँ पर चूंकि नया है और यहाँ पर इतना लोगों को पता भी नहीं होगा, आसपास के लोग जो आए हुए हैं या जिनको जानकारी है। देहरादून में ऑलरेडी 7-8 मॉल्स पहले से ही हैं। पैसिफिक मॉल है, क्रॉस रोड मॉल है, और
सिल्वर सिटी, बहुत सारे मॉल्स ऑलरेडी हैं। अब जितने भी मॉल्स आएंगे उनको पहले से बेहतर होना चाहिए, तभी कस्टमर्स पहुंचेगा। ब्रांड्स पहले से ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पर, बड़ी ब्रांड्स होनी चाहिए और वो ब्रांड्स होनी चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है पिछले मॉल्स में, तभी आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। और जहाँ तक लिफ्ट्स का सवाल है, लिफ्ट सारी काम कर रही हैं, चलिए ऊपर भी चलते हैं। मार्क्स एंड स्पेंसर, सभी बड़ी बड़ी ब्रांड्स यहाँ पर आ गए हैं। तो अगर आपको खाने पीने का शौक़ है और आप पूरा दिन व्यतीत करना चाहते हैं किसी सुकून वाली जगह पे और बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहते, शॉपिंग भी करना चाहते हैं, एंजॉय भी करना चाहते हैं, खाने का ही मज़ा लेना चाहते हैं, तो मॉल्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसी तरह से मॉल्स का कल्चर हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। और जब सभी कुछ आपको एक जगह पे मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज़। और यहाँ पर टाटा का स्टारबक्स कैफे भी है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक तो कर ही देंगे और शेयर भी कर ही देंगे। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से पता लगता है आपको वीडियोज़ मेरे कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, क्या कमी रह गई, क्या और बेहतरीन हो सकता था। और सभी अपनी यादें संजोते हुए चलिए और भी आगे चलते हैं। वैसे 2020 के बाद से काफी कुछ चेंज हो गया, पूरी दुनिया में सभी जगह बदल गया। देहरादून में भी पहले बहुत हर्षोल्लास से और बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता था और पूरे शहर में आपको सेंटा घूमते हुए दिखते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सेंटा क्लॉज यहाँ पर मुझे कोई दिखाई दिया नहीं, वरना इससे पहले के ब्लॉग्स अगर आप देखेंगे, मैं ऊपर दे दूंगा, आई बटन में आप देख सकते हैं, जिस तरह के क्रिसमस पहले हुआ करते थे, उतनी चहल पहल तो नहीं, भीड़ ज़रूर हो जाती है, लेकिन उस तरह का हर्षोल्लास, उस तरह का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहता। और ऑफ कोर्स कॉस्ट तो बढ़ी गई, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, रेमंड्स का शोरूम, तो सारी बड़ी ब्रांड्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, चाहे आप इंडियन टैलेंट की बात करें या बाटा भी है यहाँ पर और बहुत सारे और भी शोरूम्स हैं, सारी ब्रांड्स आपको मिलती हैं। और बुक्स की भी एक बहुत बड़ा एक शॉप है या आउटलेट कह सकते हैं आप, बहुत बड़े स्तर पर, तो सारी बुक्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप पढ़ाई के शौकीन हैं, पढ़ने के शौकीन हैं, बुक्स आपको अच्छी लगती हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग शॉपिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ज़रूर हो रही है। और जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तब से इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो चलिए और भी आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। अच्छी चीज़ ये है कि लिफ्ट सारी काम कर रही है, एलिवेटर्स काम कर रहे हैं, हालांकि अभी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है ये। ऊपर यहाँ पर मैंने बताया 6 फ्लोर हैं, लेकिन 6वें फ्लोर पे PVR है, लेकिन अभी वो ऑपरेशनल नहीं है, तो कुछ आगे आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगा। और ये शॉपर स्टॉप्स का शायद ये देहरादून में पहला आउटलेट होगा मेरे ख्याल से। बाटा, सभी बड़ी ब्रांड्स एक एक करके यहाँ पर आएंगी ज़रूर, लोकेशन वाइज अच्छा है। और जिस ग्रुप का ये है उस ग्रुप का यहाँ पर ऑलरेडी 2-3 मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, तो अवेयरनेस की जहाँ तक सवाल है, अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी होगी। तो जितने पेरेंट्स आते हैं, जितने बच्चे आते हैं, उनका भी एक आकर्षण का केंद्र रहेगा ज़रूरी। तो चलिए और भी आगे चलते हैं। टाइम जोन यहाँ पर
पूरा गेमिंग का इन्होंने एक अलग ही माहौल दे दिया, जिसमें आपको बहुत सारे मॉडर्न गेम्स और वर्चुअल गेम्स जैसे कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आप 3D गेम्स का वर्चुअली मज़ा ले सकते हैं, वही फील कर सकते हैं। ऐसे बहुत से गेम्स हैं, बहुत से आपके आउटलेट्स भी हैं साथ में, तो भरपूर मज़ा ले सकते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और डिजिटलाइजेशन होने के बाद इस तरह की चीज़ों का बढ़ावा बहुत ज़्यादा हो गया, और ये पूरा फ्लोर कह सकते हैं, फ्लोर का एक साइड उन्होंने पूरा गेमिंग जोन ही बना दिया। टाइम जोन मशीन ठीक सामने, यहाँ पर फिलहाल एक फैमिली बैठी हुई है और इसका ये मजा लेंगे। यहाँ बस चश्मे लगाइए और वर्चुअली वो फील लीजिए जो आपको अन्य जगहों पर हो सकती है वास्तविकता में। तो साइंस ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आप अपने रूम में, अपने कमरे में, अपने एक जगह पर बैठे बैठे भरपूर मज़ा ले सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ कॉस्ट फॉर एवरीथिंग, तो एक कीमत तो आपको चुकानी पड़ती है, लेकिन सुविधाएं हैं। फिलहाल ये फैमिली इसका मज़ा लेते हुए और कुछ आवाज़ें भी निकलती हुई तो बहरा एक बहुत बढ़िया इन्होंने बना दिया यहाँ पर गेम। ये थोड़ी सी अलग चीज़ है, बाकी मॉल्स में इस स्तर की चीज़ें कम हैं या नहीं हैं, यहाँ पर ये है, ये एक प्लस पॉइंट है इसका। और बाकी पार्किंग की जहाँ तक मैं बात करूँगा, पार्किंग इस में मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। जितनी ज़्यादा पार्किंग हो सकता, मैंने पार्किंग में देख भी नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी फुल थी, कह सकते हैं उतनी बड़ी पार्किंग शायद नहीं थी, और रोड पे बाहर 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहा इस मॉल के बारे में। सैलोन एक लुक्स के नाम से सैलोन भी है, तो यहाँ पर आप अपना ग्रूमिंग करवा सकते हैं, हेयर कट स्टाइलिंग वगैरह। फिलहाल खाली पड़ा हुआ आज क्रिसमस का दिन, तो ऐसी बहुत सी शॉप्स मैंने देखी आज खाली हैं, ज़्यादातर तो लोग सिर्फ सेल्फी वीडियो सोशल मीडिया इन सब के चक्कर में ज़्यादा आए हुए हैं, और कौतूहल होता है कि नई जगह पे क्या है क्या नहीं, तो आदमी देखने भी आया हुआ है। और यहीं पर आगे एक देखा है मैंने MBA चाय वाले का, वो लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी चलेंगे ये MBA चाय वाला। और जब मैंने खंगाला मालूम पड़ा कि MBA चाय वाले का MBA से कोई लेना देना नहीं है, मैनेजमेंट की डिग्री से कोई लेना देना है नहीं, MBA कुछ और ही मतलब है उसका, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये जिन्होंने ये फ्रेंचाइजी स्टार्ट की उनका बस एक चाहत थी कि मैं IIM अहमदाबाद से MBA करूं, लेकिन MBA में हुआ नहीं, तो उन्होंने अपना एक ब्रांड शुरू कर दिया MBA चाय वाला, और बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है, लेकिन MBA से कोई लेना नहीं, मैनेजमेंट से कोई लेना नहीं उनका। वापस हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ स्टारबक्स, यहाँ पर देखते हैं क्या है। और जैसा कि पता होना चाहिए यहाँ 11 बजे तक टाइम होता है इस मॉल के क्लोज होने का, में आपको कॉफी की एक लंबी चौड़ी वैरायटी मिल जाती है, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, बाकी कुकीज वगैरह ले सकते हैं।
दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था 11 बजे तक ही टाइम होता है, 11 बजे हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अभी 2-2.5-3 घंटे पहले जो रश थी, एक बंदा भी अब दिखाई नहीं दे रहा। 11 बजे जब क्लोज होना है तो यहाँ पर रुकेगा भी कौन। तो ये इस तरह से आज की कह सकते हैं क्रिसमस थोड़ी सी फीकी है, जिस तरह से बाकी सालों में मैंने देखा है जितना रश होता है, जिस तरह लोग खुशी से मनाते हैं या जहाँ सेंटा क्लॉज वगैरह होते हैं, यहाँ ऐसा कुछ था नहीं। और बाहर शहर में इस समय बहुत रश होती है और गाड़ियाँ, रोड जाम बहुत बुरी तरह हो जाता है। जितना डेवलपमेंट हुआ उससे कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट गाड़ियों का हो गया, तो ट्रैफिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है देहरादून में इस समय। तो चलिए हम भी अब चल पड़े हैं वापस अपने घर के लिए। उम्मीद है आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहली बार करना है आपको, बार बार नहीं करना। और दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोस, और लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे। तो बस अब आप लोग भी अपने घरों में एंजॉय कीजिए, नया साल आने वाला है। एडवांस में आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके मित्रों, आपके परिवार के सभी लोगों को। तो अपने घरों में आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे वीडियोज़ और ब्लॉग्स को। और मैं इस तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। तो अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, आपसे फिर एक बार। तब तक का आप सभी का दिन शुभ हो, आपके जीवन में और खुशियाँ आएँ। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय।